आदों में मिड डे मील को लेकर शिकायतें आती रहती हैं, उस पर महकमा सख्त हो गया है। डोडा में महकमे के ऑफिसर्स की जानिब से स्कूलों का दौरा किया गया और बच्चों को दी जाने वाले खाने की क्वालिटी जांची गई। इसके अलावा महकमा सीएपीडी के एडी जाकिर वानी और डोडा के सीईओ मोहम्मद शरीफ चौहान ने सीएपीडी डीलर्स के साथ, इंचार्ज असातिज़ा के साथ और खाने की क्वालिटी का जायजा लिया। इस चीज के लिए हमने एक आज यहाँ पूरे स्कूल के जो मिड डे मील के इंचार्ज है उनको भी बुलाया था। सीओ साहब थे, जेडीओ हजरात थे और मैं खुद भी था, मेरा स्टाफ था और हमने इस चीज को देखा है कि कहीं इस चीज में हमने कोई कसर नहीं रखी है। हम चाहते भी हैं और हमने एश्योर भी कराया है हर स्कूल में कि मिड डे मील का जो राशन है एटलीस्ट वो बहुत अच्छा मिले, प्रॉपरली मिले, टाइम पे मिले और बिल्कुल हाइजीनिक मिले। इसमें हमारा बिल्कुल, और इसमें अगर कहीं से किसी वक्त हमारे पास राशन अवेलेबल नहीं भी होता है, हम उसको अपने स्टोर से टीचर हजरात को दे देते हैं ताकि उनके सेकंड क्वार्टर की या थर्ड क्वार्टर की जो अलॉटमेंट होती है वो वहां से हम बराबर करें। सड़ा हुआ, खराब, ऊपर से ना कोई उसको पूछने वाला, ना कोई नजर रखने वाला, और आम जनता गरीबों के बच्चे तो हमेशा मिड डे मील पहले तो मिलता नहीं उनको, अगर मिला भी तो वो होता है वो चूं की गंध टोटली, जो नाकारा जो होता है वो उनको दिया जाता है। और हमारी गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मिड डे मील देना चाहे बच्चों को तो वो अच्छा होना चाहिए जिससे वो बीमार ना हो सके। जो मिड डे मील को चला रहे थे उनकी मैंने मीटिंग बुलाई आज और उनका रिकॉर्ड वेरीफाई किया है, रिकनसाइल किया है डीलर्स के की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और फिर टी एस ओ एंड सो ऑन, यानी मेरा मतलब फूड डिपार्टमेंट के साथ। हमारी फिक्र जो है एकदम मैच हो रही है, नो एनी सॉर्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन और मिस प्रोपोर्शन लाइज देयर।